नमस्कार, मेरा नाम है ईशान और आज मैं आया हूँ सुमाटनी फाटा से कुछ ही मिनटों की दूरी पर लोकेटेड रोहन आनंद के अपार्टमेंट्स देखने के लिए। रोहन बिल्डर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट मल्टी फंक्शनल और प्लस होम्स कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि 1 BHK के अपार्टमेंट्स कैसे दिखते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में घर के बाहर वाले कॉमन पैसेज में सफिशियंट वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट मिलता है। पैसेज की चौड़ाई काफी अच्छी है, इस वजह से ये एक इंटरैक्टिव स्पेस भी बन जाती है। आपका घर तीनों साइड से ओपन होने की वजह से घर के अंदर ताजी हवा और सफिशियंट लाइट एक पॉजिटिविटी ले आती है। घर का जो मेन डोर है वो वुडन है और इसे एक एलिगेंट लुक भी दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि घर अंदर से कैसे दिखता है। घर के अंदर दिए गए फॉयर की वजह से कॉमन लॉबी से किसी को भी घर के अंदर का व्यू नहीं मिलता और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती है। ये घर की मेन सर्कुलेशन स्पाइन है और घर के सभी हिस्सों को यानी कि लिविंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट और किचन को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। इस वजह से आपका यूजेबल स्क्वायर फीट एरिया भी वेस्ट नहीं जाता। अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। पूरे घर का डिजाइन प्लस होम्स कंसेप्ट पर बनाया गया है, यानी कि परफेक्ट वेंटिलेशन, लाइवली लाइट, एटमोस्ट प्राइवेसी और स्मार्ट स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिविंग रूम्स की दोनों वॉल्स पर दी गई ओपनिंग की वजह से ताजी हवा और नेचुरल लाइट अपने साथ एक पॉजिटिविटी ले आती है। इस लिविंग रूम को स्मार्टली डिजाइन किया गया है। अगर आप डाइनिंग या स्टडी टेबल का इस्तेमाल ज्यादा देर के लिए नहीं करते हैं तो आप एक फिक्स फर्नीचर की जगह फोल्डेबल फर्नीचर बनवा सकते हैं, जिसे आप अपने टीवी यूनिट के साथ क्लब कर सकते हैं। टेरेस को एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं, इन्हें मेंटेन करना भी आसान है और इनसे जगह भी वेस्ट नहीं होती। आउट फ्लोर्स पर लिविंग रूम और इवन फ्लोर्स पर बेडरूम के साथ एक मल्टी यूटिलिटी डबल हाइट टेरेस आपको दी गई है। यह कॉन्क्रीट से बनी एक स्क्रीन दी गई है, जिससे कि ये एक प्राइवेट, कोजी और कंफर्टेबल स्पेस बन जाती है। इस जगह में शाम के समय आप अपनी चाय का आनंद भी उठा सकते हैं। आप इसे स्टडी रूम या स्मार्ट स्टोरेज स्पेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए इनलेट आउटलेट पॉइंट्स भी दिए गए, जहां आप आराम से अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो चलते हैं बेडरूम की तरफ। इस घर के हर हिस्से की तरफ बेडरूम भी वेल वेंटिलेटेड और नेचुरल लाइट से सफिशिएंट है। लिविंग रूम की तरफ बेडरूम में भी 2 विंडोज का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर कुछ बेडरूम से आपको अमेनिटीज और कुछ बेडरूम से आपको खूबसूरत पहाड़ों का व्यू मिलता है। एक स्टैंडर्ड क्वीन साइज बेड लगाने के बाद भी आपको बेड साइड सर्कुलेशन के लिए फ्री स्पेस मिलती है। बेड का रूम के एंट्रेंस के सामने ना होने की वजह से आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। रूम में ऑफसेट ना होने की वजह से हमें एक ऑब्स्टेकल फ्री स्पेस मिल जाती है। चलते चलते हड़बड़ी में हमें चोट लग सकती है, इस चीज का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। वार्डरोब के लिए दीवार में एक खाचा दिया गया है, जहाँ वार्डरोब आराम से फिट हो सकता है। एसी के लिए प्लग पॉइंट का प्रोविजन किया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। एंट्रेंस और डाइनिंग एरिया से नजदीक होना एक आइडियल किचन की लोकेशन मानी जाती है। अक्सर के किचन में काम करने वाले व्यक्तियों को इन दोनों जगहों का बार बार उपयोग करना पड़ता है, इसलिए किचन का सेंट्रल लोकेशन होना बहुत जरूरी है। रोहन आनंद में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसे ऐसे डिजाइन किया गया है। लिविंग रूम में बैठे गेस्ट को किचन का व्यू नहीं मिलता और आप प्राइवेसी मेंटेन करते हुए अपना काम कर सकते हैं। किचन में हॉब, सिंक और फ्रिज की सही प्लेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे किचन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से इनकी पूरी लेंथ यूजेबल है। खाना बनाते समय की ड्राई एंड वेट एक्टिविटीज को आसानी से अलग रखा जा सकता है। साथ ही एक प्लेटफॉर्म खाना बनाने के लिए और दूसरा प्लेटफॉर्म बाकी चीजें जैसे सब्जी धोना, चॉप करना और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खाना बनाना भी कन्वीनियंट होता है और आपका किचन भी मैसी नहीं होता है। साथ ही किचन प्लेटफॉर्म के नीचे आपको एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। प्लेटफॉर्म से लगी हुई दीवार को दाग धब्बों से बचाने के लिए 2 फीट तक डैडो टाइल्स दी गई है। सारे किचन प्लेटफॉर्म्स ग्रेनाइट में बने हैं और इनको सामने पानी पट्टी दी गई है, ताकि साफ सफाई करते समय पानी फर्श पर नहीं गिरेगा। यहाँ की सभी चीजें इजीली एक्सेसिबल है और साथ ही एडिशनल ओवरहेड स्टोरेज स्पेस की प्रोविजन भी मिलती है।
यहाँ की ओवरहेड लॉफ्ट स्टोरेज स्पेस के लिए यूज की जा सकती है। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। घर के लेआउट में वॉशरूम की लोकेशन भी मायने रखती है। इसे इस तरह प्लान किया गया है जिससे आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करते हुए भी आपके मेहमानों द्वारा कंफर्टेबली यूज किया जा सकता है। वॉशरूम का दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए जिससे कि यूजेबिलिटी भी अफेक्ट नहीं हो। वॉशरूम का इंटरनल लेआउट भी बहुत मैटर करता है, जैसे कि वेट एरिया और ड्राई एरिया का अलग होना, इससे कि साफ सफाई और मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाती है। दो सेपरेट यूनिट्स दिए जाने की वजह से सुबह वॉशरूम पर आने वाला लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सब जगह एंटीस्किड टाइल्स दी गई है जिससे कि फर्श गीला होने पर भी स्लिप होने का रिस्क कम हो जाता है। वेट एरिया का पानी ड्राई एरिया में नहीं जाए इसलिए यहाँ पर एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है। यहाँ पर शार एरिया में लिंटल लेवल तक डैडो टाइल्स प्रोवाइड की गई है जिससे कि आपकी वॉल्स मॉइस्चर फ्री रहती है और इन्हें मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, जिससे कि एक क्लीन और फिनिश लुक भी मिलता है। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी के लिए ओवरहेड शार फिटिंग भी दी गई है। WC और नहाने की एरिया में इंडिविजुअल एग्जॉस्ट पॉइंट भी दिया गया है और इंडिविजुअल वेंटिलेशन भी। इस घर की लोकेशन भी काफी खूबसूरत है और इस घर का डिजाइन भी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को ये घर परफेक्ट लगेगा। मैं अपनी फैमिली को साइट विजिट पर जरूर ले आऊंगा। तब तक के लिए मैं ईशान आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे रोहन आनंद के बाकी अपार्टमेंट्स देखने के।